जाएगी तो बड़ी समस्या आ सकती है इसमें, और वो कहेंगे कि फिर हम तुम ये मान ही नहीं पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। आप एक तरफ कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे नहीं है, एक तरफ है भी नहीं भी, एक तरफ कहते हैं अवक्तव्य भी है। तो इस तरह से हम उस ज्ञान में फिर हमारी कोई निष्ठा ही नहीं रहेगी। हम किस ज्ञान की बात करें, तो हम यही नहीं कहते कि है, हम पक्ष में है विपक्ष में, तो हम कब सब तरफ से। ये ऐसी नीति हो गई कि जैसे शाहवाद के खिलाफ वो कहते हैं कि ऐसी नीति होगी जब मेरे को लगे मान लूंगा, जब नहीं मानूंगा, क्योंकि दोनों मत है, तीसरा मत भी, चौथा मत में, तो इसलिए एक अलग दृष्टि आ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो एक ही मान के चलते हैं, एक को मानने से कम से कम हमारा एक सहारा रहेगा। इस तरह से उन्होंने शाहवाद को एक तरह उसको एक समस्या रखी इसके सामने, और इसलिए उन्होंने शाहवाद पर चर्चा आगे नहीं की। जी ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, और मैं पुनः आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि जितनी सहजता से और सरलता से, स्पष्टता से आपने इतने उलझे हुए विषय को रखा है, स्पष्ट रूप से रखा है, और हम लोगों की समझ उससे बढ़ी है, हमारी दृष्टि भी व्यापक हुई है, तो उसके लिए मैं आपके प्रति, सभी प्रतिभागियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि क्योंकि वक्ता और श्रोता दोनों के संयोग से ही इस सृष्टि के अर्थ निकल सकते हैं। सार्थकता तो तभी मिलेगी जब संवाद हो, तो ये आज का संवाद परिचर्चा बहुत सुंदर रही है, बहुत हमारे लिए मीनिंगफुल रही है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी प्रतिभागियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतने गंभीर विषय को सुना, समझा, और उसके प्रति जो है अपने अभिव्यक्तियां भी दी हैं, उसके लिए मैं उनके प्रति आभारी हूँ। दो तीन बातें साझी करके हम इस मीटिंग को समाप्त कर रहे हैं। एक तो ये कि मुझे जूम थोड़े से इस दृष्टि से इस्तेमाल प्लेटफॉर्म करना पड़ रहा है कि कॉलेज में मैंने अभी कहा हुआ है सिस्को वेबएक्स के लिए कि वो मुझे अगर मिल जाता है तो हम उसको फिर उसी पे कंटिन्यू करेंगे, और ये जो प्लेटफॉर्म है इसके बारे में कई प्रकार की राय पहले रही है। शुरू में मैं यूज़ इसको ज़रूर करता था लेकिन फिर उसके बाद नहीं किया, तो कुछ एक परिवर्तन होते रहेंगे अभी दो तीन दिन जब तक कि मेरे पास एक परमानेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं हो जाता। आज का ये जूम वैसे प्रयोग के तौर पे था, इससे पहले वो दूसरा हमने मीट को प्रयोग किया था, और शायद एक जियो मीट को भी मैं कल या परसों में प्रयोग करके देखूंगा, तो देखते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म में सही बैठते हैं। लेकिन सभी प्लेटफॉर्म्स की अपनी अपनी दिक्कतें हैं, लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से मैं सिस्को की ओर जो है वो आग्रह मेरा ज़्यादा उसकी ओर है। ये तो एक अपनी मैंने आपके साथ समस्या शेयर की है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को कोप अप करना पड़ेगा कि जैसे जैसे भी ये परिवर्तन होंगे प्लेटफॉर्म्स में वो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि विषय मेरे पास बहुत हैं और मैं अलग अलग लोगों से बात भी कर रहा हूँ और लगभग एक दो विषय निश्चित हो गए हैं। एक तो जो फॉर्म एंड एसेंस ऑफ पंच महाभूत इन साइंस एंड संस्कृत ट्रेडिशन, इसके ऊपर हमें इसरो से एक साइंटिस्ट मिल गए हैं, वो समय हमें अगले हफ्ते में देंगे। और इसी तरह से जो कॉन्शियसनेस चेतना जिसकी हम बात करते हैं उसके बारे में भी चर्चा करने के लिए एक डॉक्टर और एक मैं चाहूँगा कि संस्कृत के पक्ष से कोई बात मिले, न्यूरो साइंटिस्ट हैं और साथ में संस्कृत का वक्तव्य रखने के लिए वो उपस्थित हों, तो इस तरह के कुछ एक विषय हैं। और एक मेरे पास अभी भी एक इच्छा अभिव्यक्त की गई थी जिसमें हिप्नोसिस और वेलबींग के ऊपर जो है वो चर्चा रखने के लिए भी कहा गया है, वो भी समय के अनुसार रखेंगे। और साथ साथ जो है और भी कई ऐसे नए विषय भी हैं जिन पे मैं आप लोगों का सहयोग चाहूँगा। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात मैं चाहता हूँ कि इसमें जितने भी संस्कृत के दूसरे लोग जुड़े हुए हैं वो लोग भी अपना अपना वक्तव्य रखें। ये अब मौका है हमारे पास, जो भी उनको विषय पसंद हो, हम बस कोशिश ये हो कि वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ रखें। मैं आप सभी का स्वागत करूंगा क्योंकि मैं सबसे परिचित नहीं हूं, सबके विषयों से परिचित नहीं हूं, तो यदि किसी की कोई इच्छा हो, किसी के पास ऐसा कोई विषय हो जो वो प्रस्तुत करना चाहता है इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से, क्योंकि संस्कृत की इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो बाकी विषयों के साथ संवाद नहीं कर पा रहे, तो इसलिए मेरा निवेदन रहेगा आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं अपना अपने विषय को बताने के लिए, लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से अपना वक्तव्य रखें, अपना ही विषय रखें,
लेकिन उसका संवाद बाकी लोगों के साथ कैसे हो, बाकी विषयों के साथ कैसे हो, वो विशेष ध्यान देने के योग्य है। और अभी इस सैटरडे जो है हम एथिकल इकोनॉमिक्स के ऊपर विषय रखने जा रहे हैं, एथिकल इकोनॉमिक्स लेसन्स फ्रॉम द पंचतंत्र, उसके ऊपर विषय रख रहे हैं और देखते हैं वो भी कितना सफल हो पाता है। तो वो इकोनॉमिक्स और संस्कृत के ऊपर बातचीत होगी, लेट अस सी हाउ सक्सेसफुल वी बिकम इन दैट आल्सो। तो इस तरह के जो भी विभिन्न विषय आप लोगों के पास अगर हों तो कृपया मुझे बताएं और मुझे सहयोग भी दें। और मेरी ओर से ये भी ऑफर है, यदि आप में से कोई अपने कॉलेज की ओर से भी करना चाहे या स्वयं इनिशिएटिव लेना चाहे, तो जो मेरे से सहयोग हो सकता है, चाहे वो टेक्निकल है या दूसरा कोई भी सहयोग है, तो वो मैं आप लोगों के साथ अवश्य करूंगा। क्योंकि एक ही व्यक्ति करता रहे वो भी कोई बात नहीं उचित कई बार लगती। अगर आप में से कोई करना चाहे तो, क्योंकि सभी जगह संस्कृत डिपार्टमेंट है तो सब जगह सब कॉलेजेस में उसकी स्थापना सुप्रतिष्ठा हो, ये मेरी इच्छा है। तो उस सुप्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए यदि आप में से किसी की कोई इच्छा हो, कोई कॉलेज एसोसिएट करना चाहे या स्वयं करना चाहे, तो मैं उसके लिए हर तरह का सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ। तो इन यही दो तीन सूचनाएं थी, आप लोग मुझसे अलग से भी बात कर सकते हैं और जो भी आप चाहें वो मुझे सूचना भी दे सकते हैं या अपना सुझाव दे सकते हैं मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे। और अगली जो सूचना है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा जैसे जैसे अपकमिंग प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण मैं ये थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया हूँ, क्योंकि वो प्रॉपर नहीं मिल रहा, क्योंकि रिकॉर्डिंग अगर नहीं होती तो फिर वो सारी एफर्ट जो है वो आधी एफर्ट वो व्यर्थ हो जाती है। तो इसलिए मैं उसकी वजह से थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट करनी पड़ेगी, कभी किसी प्लेटफॉर्म पे करेंगे कभी किसी प्लेटफॉर्म पे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। यदि किसी की कोई टिप्पणी है, यदि कोई बात कहना चाहता है तो कहे, तो फिर हम इस मीटिंग को क्लोज डाउन करेंगे। यदि कोई बात कहना चाहता है तो बताएं आप, नहीं तो फिर हम एक बार मैं पुनः स्वागत धन्यवाद करूंगा आप लोगों का और फिर अब इस मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो डॉक्टर साहब आपके प्रति मैं अपना प्रणाम अभी व्यक्त करता हूँ और निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि आपका ज्ञान जो है वो मुझे प्राप्त हो, काश ऐसी कोई शक्ति दीक्षा होती। दीक्षा तो होती है, ज्ञान का बांटना ही चाहिए, आ जाएगा। जी जी जी, आप किसी तरह कट करेंगे जी। हाँ, और एक एक बात कह करके कि इसके बाद मेरी एक इच्छा जो है तंत्र के ऊपर भी सीरीज करने की है और उसको भी जल्दी ही हम टेकअप करेंगे। बाकी विषय तो लेंगे ही, बाकी जो इंटरडिसिप्लिनरी विषय है वो तो आवश्यक है ही है आज के युग में, लेकिन जो तंत्र आदि विषय हैं जिनके ऊपर बहुत आक्षेप लगते हैं और जिनके बारे में लोगों को नहीं भी पता, तो उस सीरीज को भी हम बहुत जल्दी आरम्भ करने जा रहे हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैडम नीलम, मैं दो तीन बार इसमें डाल चुका हूँ फीडबैक और वो ये अंतिम बार डाल दिया है मैंने, तो कृपया इसको जल्दी से भर लें क्योंकि उसके बाद एक बार मीटिंग क्लोज होगी फिर वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए और आई एम गोइंग टू क्लोज डाउन द मीटिंग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच आप लोग जुड़े, आपके प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, अपना आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं।